2024 के चुनावों को लेकर वो जरूर अपनी जीत की तरफ देखती हुई बीजेपी दिख सकती है, लेकिन दीदी अपना गढ़ बचा गई है, इसमें किसी तरह की कोई दो राय नहीं है और इसको दीदी सेलिब्रेट करेंगी बड़े लेवल पर। अब दीदी के लिए दो धारी तलवार कैसे थी, पहली ये कि मैं अपना विधानसभा चुनाव, तीसरा कंसेक्यूटिव वक्त जो है अपने हाथ में ले लूंगी, और दूसरी धार ये होगी कि आने वाले चुनावों में इकलौता मैं वो चेहरा हूं जो मोदी को हरा सकता है और इसीलिए सारी पार्टियों को मेरे साथ आ जाना चाहिए। तो दोनों ही पार्टियों के लिए दोधारी तलवार थी। और चूंकि आप कह रहे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, राजीव जी आप इस हार को स्वीकार करेंगे, आप कहेंगे ये जल्दबाजी है या फिर आप कहेंगे नहीं कुछ कमियां रह गई, हम जीत जाते अगर 100 के पास पहुंच रहे हैं तो 100 के परे भी जा सकते थे। आप बिल्कुल, आपने तीनों सवाल का उत्तर स्वयं दे दिया और मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि नजरिया क्या है, ग्लास में पानी आधा भरा है या आधा खाली है, हमारे लिए ग्लास में पानी आधा से ज्यादा भरा हुआ है। और जैसा कि कैलाशी ने भी बताया, विश्लेषण तो चौथे राउंड, देखिए मैं पिछले 30 साल से चुनाव लड़ता रहा, मुझसे पूछिएगा तो मैं 9वें 10वें राउंड तक तो चुनाव परिणाम जानना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसे परिणाम आए हैं जो एकदम परिवर्तित हो गए। लेकिन फिर भी आप लोग जो आंकड़े बता रहे हैं और रुझान, प्रारंभिक रुझान जो दिखा रहे हैं उसमें आप टीएमसी के बढ़त दिखा रहे हैं, लेकिन चिंता हमें नहीं करना है क्योंकि हमने अपनी शुरुआत 3 से की है और जहां तक हम पहुंचे हैं ठीक है। पॉलिटिक्स में हम दावा जरूर करते हैं लेकिन अभी परिणाम, अंतिम परिणाम नहीं आए हैं। आपने कहा कि दो धारी तलवार, कतई यहाँ पर आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज भी पश्चिम बंगाल में हमारे 18 लोकसभा के सांसद हैं और उस अनुपात में हम लोग बिल्कुल वही हैं और खराब नहीं है, जहां हमने सोचा था उस हिसाब से 18 में के अनुपात में हमारी विधानसभा की सीटें आ रही हैं। और तीसरा बात आपने कहा 2024, उसमें अभी वक्त है और मुझे विश्वास है कि देश के प्रधानमंत्री के प्रति जो आस्था है वो अभी बरकरार है और पश्चिम बंगाल ने इसे सिद्ध किया है कि अभी जनमानस में एक आकर्षण पश्चिम बंगाल में, जहां हम वर्षों से नहीं थे, हमारी कोई उपस्थिति नहीं थी। तो मोटे तौर से आपका भी बात सही है लेकिन मेरा भी बात गलत नहीं। रूबिका और रूढ़ी जी हमारे साथ बने हुए हैं तो राजीव जी सॉरी मैं बीच में आ गया, शायद ऑडियो लैग है। रूबिका आप सवाल पूछ सकती है, मुझे लगा नहीं, शायद सुना ही नहीं। मैं बस राजीव जी से मैं सिर्फ ये जानना चाह रही थी कि राजीव जी आप कह रहे हैं कि आकलन किया जाएगा, हाँ हमें पता है कि आप लोग आकलन करेंगे, लेकिन सवाल ये पूछा जाएगा कि आपने पूरी ताकत झोंक दी थी, आपने जान हथेली पर रख दी थी, और जब मैं कह रही हूँ जान हथेली पर रख दी थी तो कोरोना के टाइम पर आप रैलियां कर रहे थे, बड़ी बड़ी रैलियां हुई, बड़े बड़े रोड शो हुए। और जब मैं आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें ममता बनर्जी दूध की धुली हुई हैं या बाकी पार्टियां दूध की धुली हुई हैं, मैं कह रही हूँ आपने अपने 7-स्टार कैंपेनर्स उतार दिए थे और उसके बाद अगर ये रिजल्ट आता है तो आप क्या संतुष्ट हो जाएंगे इससे? ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही हम बता पाएंगे कि हम अपने परिणाम से संतुष्ट है कि नहीं है, और यदि हम असंतुष्ट भी होंगे तो वो हमारे लिए होगा, मैं नहीं समझता हूँ। और जिस तरह से जो हमारी जीत दिख रही है पश्चिम बंगाल में वो हमारे लिए बहुत संतुष्टि का कारण है। तो सोचने का नजरिया अलग अलग हो सकता है। ये जो जितने सवाल आप कर रही हैं ये बहुत ही वाजिब सवाल हैं और ये सवाल उठते भी रहेंगे, लेकिन एक तरफ ये सवालें होंगी और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में लोगों को एक बड़ा विकल्प दिखेगा भारतीय जनता पार्टी के रूप में या दिख रहा है, ये भी एक अच्छा सुखद समाचार है। सुमित आप समझ रहे हैं ना, ये बिल्कुल वही, वो जो दो धारी तलवार मैं कह रही हूं कि अगर ये एज ना चली तो ये जरूर चलेगी। बीजेपी 3-30 मार खा बनना चाह रही थी, वो नहीं बन पाई, लेकिन फिर भी उसने कुछ खोया नहीं है, उसने पाया ही पाया है। बिल्कुल, और ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस पार्टी के पास 1 या 2 या 3 विधायक हो वो बढ़कर 100 के आसपास तक आ जाए, तो उसके पास तो पाना ही पाना था। इसीलिए राजीव प्रताप रूढ़ी जी हो या अब मेरे साथ स्क्रीन पर जो दिलीप घोष भी दिखाई दे रहे हैं, और इसीलिए दोनों नेता संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने बहुत कुछ पा लिया है। दिलीप दा शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, आपने उस दिन वादा किया था कि आज आप फिर मिलेंगे मुझे, हम फिर आमने सामने हैं, अब तो नतीजे आ चुके हैं। मैं सवाल पूछूं कि आप अपने आप कहेंगे
कि चूक गए? नतीजे नहीं है, रुझान आया है अभी एकदम प्राइमरी राउंड, दो तीन राउंड चार राउंड हुआ है और 200-300-400 में भी कहीं कहीं फर्क है, अप डाउन हो रही है। तो क्या अभी भी उम्मीद है आपको? बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि जिस मूड से लोगों ने वोटिंग की है और जिस दिशा में हुआ है होगा भी। कई चुनाव में ऐसा हुआ है 12 बजे के बाद नतीजा बदला है, और क्योंकि पूरा वातावरण परिवर्तन की तरफ था, मुझे उम्मीद है कि उसी तरफ भी जाएगा नतीजा। 40% वोट मिला था आपको 2019 में, इस बार भी हमारा पोल कह रहा था, चाहे ओपिनियन हो चाहे एग्जिट हो, कि 40% के आसपास पोल होगा, लेकिन चुनाव आयोग के आंकड़े जो अभी तक के आ रहे हैं वो आपको 35% के आसपास दिखा रहे हैं। तो उस परिस्थिति में तो मुश्किल हो जाएगा 121 सीटों पर भी पहुंचना, जहां 2019 में पहुंचे थे। नहीं ठीक है, जो चल रहा है अभी, पहले देखिए काफी सीटों में हम आगे थे, अब पीछे आया, काफी नेक टू नेक फाइट है, इसलिए अप डाउन चलता रहेगा। मेरा कहना है कि अब तक 50% वोटिंग का काउंटिंग नहीं हो जाता है, तब तक नतीजा को ठीक ठाक मान लेना ठीक नहीं है। बड़े नेता जो होते हैं उनके पास दूरदृष्टि होती है, वो विजन लेके काम करते हैं, वो सोच लेते हैं, उनको पता लग जाता है कि उनको क्या करना है आगे। अगर ये नतीजे जो रुझान है ये नतीजों में तब्दील हुए तो दिलीप घोष क्या करेंगे पार्टी के नेता होने के नाते राज्य में? नहीं नहीं, हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, हम तो जीरो से आगे बढ़े थे, बहुत लंबा छलांग लगाया हम लोगों ने, और इतना आगे बढ़े हैं कि तो इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा आपको कि 102 से 102 हो जाए। लेकिन उसमें हम संतुष्ट नहीं है, हम तो सरकार बनाने जा रहे थे, परिवर्तन करने जा रहे थे, उसी दिशा में अभी भी मैं कह रहा हूं कि आगे तक इस बार का चुनाव का नतीजा घोषणा होते रात 10 बज जाएगा, क्योंकि 17 राउंड से 27 राउंड हो गया है इस बार काउंटिंग का, तो इसलिए प्राथमिक जो हो रही है छोटा टेबल है, कहीं 20-30 का बूथ का ही काउंटिंग हुआ है, उसका आधार पर 250-300 बूथ का नतीजा आपको आकलन कर लेना ठीक नहीं है। बताया जा रहा है दिलीप दा, मैं आपसे बात करते करते मुझे बताया गया मेरे प्रोड्यूसर्स के द्वारा कि करीब 11% के वोटों का अंतर हो गया है, 48% पर टीएमसी है, 37% पर भारतीय जनता पार्टी है, 11%। अरे आपको जो पिछली बार 40% मिला था उससे भी आप 3-4% पीछे चल रहे हैं, तो ये तो आपके लिए परेशानी की बात होनी चाहिए ना? नहीं, शुरुआत में 51% टीएमसी को दिखा रहा था, हाँ, वो पीछे आए हैं, हाँ, तो ये तो बदल हो ही रहा है ना, इतना कई सीटों में, जैसे कि आरामबाग में हम केवल 1500 वोट से हारा था पार्लियामेंट, वहां 200-400 वोट से 4-5 सीट में अंतर हो रहा है, ऐसे बहुत सीट है 50 के करीब जो अप डाउन हो रही है, वो कभी भी पलट सकती है, कभी भी पलट सकती है। अभी भी दिलीप दा को विश्वास है कि देर शाम तक चीजें पलटेगी, वही बात जो कैलाश विजयवर्गीय बोल रहे थे। लेकिन दिलीप दा, एक चीज में अगर आप मेरी बात मान लें तो किसी की तो जिम्मेदारी होगी ना कि 200 पार का सपना दिखाया और पार्टी 100 पार भी नहीं जा रही है, कहीं तो कोई तो फेल हुआ, कहीं तो कोई रणनीति खराब हुई, वो क्या है? मैं वही जानना चाहता हूँ, वो तीन बड़ी कारण जिस वजह से बीजेपी 200 के पार नहीं जा पाई है। वो तो नतीजा के बाद हम चर्चा करेंगे क्या होता है, लेकिन 2019 में 21 सीट का हमारा टारगेट था, हम 16-18 तक पहुंचे थे, और इस बार भी उसी प्रकार 200 पर टारगेट हमने रखा था, लड़ाई भी किया भरपूर, कोई कमियां नहीं थी। अभी भी रिजल्ट केवल प्राथमिक स्तर पर है, मैं कह रहा हूं जब नतीजा आ जाए उसके बाद इसके बारे में चर्चा। मेरे सहयोगी पंकज झा यहाँ बैठे हुए हैं, बंगाल घूम के आए, काफी उन्होंने पसीना बहाया, कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं पंकज झा। दिलीप दा, 2019 के लोकसभा चुनाव में आपके पास 121 सीटों पर बढ़त थी, और आज की तारीख में जो आ रहे हैं आप, मैं बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अभी बहुत सारी काउंटिंग बाकी है, मतलब अभी तो शुरुआती ही रुझान है, लेकिन जो तस्वीर अभी तक लग रही है उसमें तो आप वहां तक भी नहीं पहुंचते नजर आ रहे हैं। नहीं, हम लोग 128-130 तक हम लोग रुझान में आए थे, तो अभी पीछे आए, फिर आगे जा सकते हैं, इसलिए 2-3 राउंड केवल गिनती हुई है, उसमें बहुत थोड़ी थोड़ी वोट से हम पीछे हैं, कहीं आगे हैं, इसलिए मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूं जब तक नतीजा आएगा। राहुल गांधी ने चुनाव हारने पर इस्तीफा दे दिया था, उन्होंने एक राजनीति में एक चेहरा स्थापित करने की कोशिश की कि मैं लीडर हूं, मैं फेल हो गया। अगर यही बात आपकी पार्टी पे होती है दिलीप दा, तो आप इस्तीफा देंगे अध्यक्ष होने के नाते प्रदेश के, कि नहीं देंगे? देखिए, वो तो 28 बार चुनाव हारे हैं, कितने बार रिजाइन किए, रिजाइन करना कोई सैनिक के लिए शोभा नहीं देता है। मुझे पार्टी ने प्रेसिडेंट बनाया, हमारे कार्यकर्ताओं ने, पार्टी निर्णय लेगा मैं क्या करूँ, मुझे लड़ने का अधिकार है। अगर आपको चेहरा बना के पार्टी लड़ती तो फायदा होता आपको, ऐसा लगता है ममता दीदी का चेहरा चर्चा करने? नहीं नहीं, वो चर्चा करने से फायदा है, ममता बनर्जी खूब हार रही है तो भारी कहाँ पड़ गई, खुद हम उन पर भारी हो गए। रूबिका भी कुछ सवाल पूछना चाह रही है, रूबिका जी बोलिए।
घोष बाबू नमस्ते। मैं आपसे बस ये सवाल पूछना चाहती हूँ, क्योंकि आप सरकार बनती हुई, हालांकि आप कहेंगे कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा क्योंकि काउंटिंग पूरी होगी, उसके बाद आप विश्लेषण करेंगे। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आप 100 का आंकड़ा पार करेंगे कि नहीं करेंगे? 200 पार तो मैं बिल्कुल करेंगे। नहीं, बिल्कुल करेंगे, आप देख लीजिए। और 100 तो पार कर जाएंगे। हम जो लक्ष्य रखे थे सरकार बनाने के, उसी तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और उसी के तरफ जाएंगे। कोश बाबू, आपको क्या लगता है यहाँ पर ममता बनर्जी वर्सेस मोदी था? क्योंकि अगर ये था तो फिर लोकसभा चुनावों में हमें ये देखने को मिल जाएगा, या शुभेंदु अधिकारी वर्सेस दीदी था? नहीं देखिए, हम तो हमारे यहाँ किसी चेहरा को प्रोजेक्ट नहीं किया है, और ज्यादातर प्रदेश में भाजपा इसी प्रकार चुनाव लड़ता है। ममता मोदी जी ने यहाँ आकर नेतृत्व दिया, लड़ाई किया, हमारे बाकी वरिष्ठ नेता थे सबने लड़ाई किया, और हमारे यहाँ के लाखों कार्यकर्ता लड़ा, खून पसीना बहाया, और कई लोगों की हत्याएं भी हुई है, और लोगों की मूड परिवर्तन की तरफ थी। काफी संख्या में हम आगे बढ़े हैं, लेकिन नतीजा तो काफी दूर है। अभी मान लीजिए 27 राउंड का चुनाव होगा, 7 राउंड भी नहीं हुआ है काउंट, तो इसलिए मुझे कहना है कि आप 50% वोट जब तक गिनती नहीं हो जाता है, अभी के चुनाव में जो टक्कर है, कुछ बोलना मुश्किल है। ओके, घोष बाबू, जैसा सुमित कह रहे थे, आप दोबारा मुलाकात करेंगे क्योंकि आप इसे फिनिश करेंगे, काउंटिंग फिनिश होगी और उसके बाद आपका आकलन वाला रिएक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्यों सुमित? बिल्कुल, और शाम का टाइम, बिल्कुल शाम का टाइम, प्राइम टाइम का टाइम फिक्स कर लीजिए हमारे साथ। बिल्कुल, मैं घर में ही हूँ आपको रिएक्शन देने के लिए। हाँ, और इस्तीफा देंगे तो पहले हमको बताइएगा। नहीं, इस्तीफा का राजनीति हम नहीं करते हैं। अच्छा, मतलब हम तो लड़ाई करते हैं। ठीक है, ये बात आप दोनों ने क्लियर कर दी, आपने भी और कैलाश विजयवर्गीय जी ने भी, कि इस्तीफा हम नहीं देते, इस्तीफा तो पलायनवादी लोग देते हैं। दिलीप दा, आपसे बिल्कुल सही है, आपसे शाम को मुलाकात होगी। शुक्रिया दिलीप दा, बात करने के लिए धन्यवाद दिलीप दा। आलोक मेहता हमारे साथ है, रूबिका बनी हुई है। आलोक जी, मैं आपसे जानना चाह रहा था इस पूरी चर्चा में, राहुल गांधी ने इस्तीफा देके क्या गलती की थी जिम्मेदारी स्वीकार करके? एक वो राजनीति है और एक ये राजनीति है कि हम तो इस्तीफा नहीं देते, हम तो लड़ते हैं। किस राजनीति को के जरिए आप जनता को ज्यादा अपील करते हैं? देखिए, पार्टी के नाते मैं मानता हूं कि जो जिम्मेदारी लेता है, कई बार लोगों ने इस्तीफा दिया है और पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्षों ने भी इस्तीफा दिया है। राहुल गांधी जी तो कहते ना, जैसे दो सवारी जब करते हैं कि आप दो घोड़ों पर सवारी कर रहे हैं, तो कभी इस्तीफा देते हैं, कभी बगैर उसके इस्तीफा दिए खुद ही अध्यक्ष की तरह काम करना चाहते हैं, ये अंतर है। और इसलिए मैं मानता हूँ कि तत्काल कोई जिम्मेदारी, आप ये चाहे अभी सब कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि बीजेपी में भी ये कहा जाए प्रदेश अध्यक्ष को या प्रभारी को कि भाई आप एक नैतिक जिम्मेदारी ले लीजिए। क्या मोदी जी या अमित शाह जी से तो नहीं कहा जाएगा कि आपने काम किया फिर भी हम हार गए? और इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि राष्ट्रीय नेतृत्व तो भी, और चाहे आप देखिए मध्य प्रदेश में भी कमलनाथ जी को या उनको इस्तीफा देने को नहीं कहा गया, या कभी हार भी जाते हैं तो तत्काल ये नहीं कहा जाता कि इस्तीफा दे दीजिए। ये व्यक्तिगत रूप से भी जिम्मेदारी की बात होती है, पार्टी के लिए होती है। और जैसा मैंने शुरू से कहा, मैं उन लोगों में हूँ जो लॉन्ग टर्म में काम करने वालों का समर्थक हूँ। शॉर्ट टर्म में जो गेन करते हैं वो शॉर्ट टर्म तक सर्वाइव करते हैं, और यही राहुल गांधी कर रहे हैं। वो केवल तत्काल देखते हैं कि अभी इससे फायदा होगा, अभी इससे होगा, अभी मंदिर से होगा, अभी मस्जिद से होगा, या दूसरी पार्टी पे हमला कर रहे हैं। जो भी ऐसा करती है तात्कालिक के लिए, कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता है नहीं जो बचाव करता है उनका। लेकिन रशीद किदवई साहब मेरे साथ लगातार बने हुए, अगर मैं ठीक से पहचान पा रहा हूँ। नहीं, मैं हमला नहीं कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अरे सुनिए ना, आपका काम है, आपने विश्लेषण किया, अब एक विश्लेषण रशीद भाई का सुन लेते हैं। रशीद भाई, नारा दिया गया भोपाल से जहाँ पे आप बैठे हुए हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, कि 2 मई दीदी गई, ये तो उल्टा हो गया, 2 मई दीदी फिर से आ गई। देखिए सुमित, भाजपा की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो अपने खुद अपने अपनी प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाती है, और यही हमें यहाँ भी नजर आ रहा है। देखिए उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, 3 से करीब वो 100 के आसपास पहुंच रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना बिल्डअप कर दिया कि जैसे वो दीदी को हरा रहे हैं, पछाड़ रहे हैं, कोई चेहरा नहीं दिया। अधिकांश लोग जो TMC के ही सदस्य थे, उन्हीं को 100 के करीब लोगों को टिकट दिया, और इतना ज़्यादा बिल्डअप किया। देखिए
सुमित जी, हम सब देख चुके देश में ये 14वें प्रधानमंत्री है, कोई प्रधानमंत्री इस तरीके से राज्यों के चुनाव में उसने अपनी सक्रियता नहीं करी, ये कोई अनुचित बात नहीं है। लेकिन मोदी जी को सोचना होगा, जब देश दूसरे चैलेंजर से जूझ रहा है उस समय इतना ज़्यादा एक राज्य के में इतना अपने आप को बिल्कुल एक प्रतिष्ठा का एक दांव लगा देना, ये क्या उचित है? आपकी टिप्पणी, वाजपेयी जी भी रहे, बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे, किसी प्रधानमंत्री ने राज्यों के चुनाव में इतना उन्होंने दमखम नहीं लगाया। आपने जो टिप्पणी की है मैं उस पर रिएक्शन राजीव प्रताप रूड़ी जी का ले लेता हूँ। रूड़ी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव भाई, जो बात रशीद किदवई कह रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री के नाते पूरी ताकत लगा देना, चुनाव लड़ना उस वक्त में जब दूसरी मुसीबतें देश के सामने हैं, क्या वो जायज़ था? जवाब देंगे इस बात का राजीव जी? बिल्कुल, किदवई साहब जो बात कह रहे हैं और उन्होंने कहा कि बिल्डअप करना, तो मैं समझता हूँ कि बिल्डअप करना, कैसे बिल्डअप करना, क्या उसमें प्रयास करना, ये भी किससे पूछ के करना होगा, ये हमें नहीं समझ में आया कि बिल्डअप करना कोई गलत था। और अगर हम लोग चुनाव के मैदान में थे और ऐसा मानना कि किसी की कॉम्पिटेंसी कितनी कम है कि अगर एक जगह वो पार्टी चुनाव लड़ रही हो तो देश के शासन में वो परफॉर्मेंस कम हो जाएगा, तो ये मात्र सिर्फ मोरलिस्टिक वैल्यू मोरलिस्टिक बातें ला करके कि भाई आप चुनाव लड़ रहे, और कैसे आप कह सकते हैं कि हमने पूरी ताकत असम में नहीं लगाई या जो हम बीसी तमिलनाडु में लड़ रहे थे वहां नहीं लगाई। पश्चिम बंगाल में इसलिए हमारे लिए आपको ऐसा दिखा क्योंकि बड़ा राज्य है और बड़ी चुनौती थी और बड़ी कामयाबी की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं, और इसलिए शायद आप लोगों को ये तीखा इसलिए लग रहा था कि ऐसा एक जगह जहां कोई कल्पना नहीं कर सकता था और जो चर्चा भी नहीं कर सकता था करता था 5 साल पहले कि भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति दर्ज हो जाएगी। स्वाभाविक रूप से बहुतों को खेद हो रहा है इस बात का कि आखिर ये, वही मैंने कहा ना शुरू में कि ग्लास आधा भरा हुआ है कि खाली है, आपकी नजरिया क्या है। लेकिन हमारे कामयाबी पर आप, हम अपनी कामयाबी कैसे करें उस पर भी टिप्पणी करके आप अपनी राय देना चाहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको यहाँ चुनाव हारने के लिए लड़ना चाहिए था और ममता जी को जीतने के लिए छोड़ देना चाहिए था, और आपको देश देखना चाहिए, देश में पश्चिम बंगाल का जवाब तो आपको देना पड़ेगा राजीव, और जिसके पहले कि आप हम आपसे विदा लें, क्षमता को आप सीमित करने की जरूरत नहीं। 196 पर टीएमसी रूड़ी जी, 93 पर बीजेपी, आप इसको आधा ग्लास भरा हुआ कह के अपने आप को सर्टिफाई कर ले रहे हैं, खुश हो जा रहे हैं, सेटिस्फाई कर ले रहे हैं। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा राजीव जी कि हम जब नेता चुनाव के पहले कहते हैं कि इतनी सीटें जीतेंगे, हम उसको ब्रह्म वाक्य ना माने ना, इसका मतलब कि ये तो बोलते रहते हैं, इनको मीडिया को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। आज आप इसको डिफाइन कर दीजिए, आपने 200 बार का सपना दिखाया था सुमित जी, आप भी चुनाव, आप भी देखिए सुमित जी, आप भी अगर कभी चुनाव लड़ेंगे तो अपने भाषण में आप, चाहे आपको हजार ही वोट क्यों ना आने वाले हो, आप भी कहेंगे कि मैं दावे के साथ जीत रहा हूं, कोई नहीं। लेकिन देखिए, हम लोगों ने परिस्थितियां देखी थी पश्चिम बंगाल में, जब हम 18 सीट लोकसभा में जीत के गए, हमारे लिए परिस्थितियां बन चुकी थी और वहां का जो कुशासन या जो भी परिस्थितियां थी, और लोग आतुर थे कि कोई विकल्प आए। कांग्रेस के बारे में चर्चा नहीं हो रहा है, वहां पर कम्युनिस्ट के बारे में चर्चा नहीं हो रहा, जहां जिसने 34 साल लेफ्ट ने रूल किया है, जो शून्य पर चला गया, लोगों ने विकल्प तलाशना शुरू पर किया। आप आतुर और थे, वो विकल्प के रूप जनता आपको बदलना चाहती थी तो अच्छा जनता ममता को बदलना चाहती थी, बदला क्यों नहीं? इसका मतलब आप जनता को गलत पड़ गए ना, ममता तो वापस 200 सीट के आसपास आ गई। नहीं देखिए भारतीय जनता पार्टी, हाँ नहीं पता नहीं कितना परिणाम आएगा और कितना निकलेगा, वो तो शाम तक हम लोग विमर्श कर पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 सीटों से राउंड के बाद हम आज 300 पार कर चुके हैं, तो लंबा दौर राजनीति का होता है, और पश्चिम बंगाल में तो हम पिछले 60-70 साल से कहीं नहीं थे। रूड़ी जी, इससे बड़ी कामयाबी, बड़ी खबर आ रही है पंकज झा के पास, बड़ी खबर है नंदीग्राम से, सुनिएगा पंकज झा पात्र। मैं ये बता दूं कि नंदीग्राम जहां सबकी नजरें टिकी हुई है कि वहां क्या हो रहा है, बीजेपी इस बात से खुश हो रही है कि उसके शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं, तो जी हां, खुशखबरी बीजेपी कैंप की तरफ से ही है कि जो वोटों का फासला ना बीच में कम हो रहा था ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी में, 6 राउंड की वोटों की गिनती के बाद 7,262 वोटों से फिर से आगे चल रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, यानी बहुत दिलचस्प मुकाबला है नंदीग्राम से। और ये तो अद्भुत हो रहा है, रूबिका भी कुछ पूछना चाह रही है। रूबिका, टीएमसी आगे चल रही है लेकिन दीदी पीछे चल रही है, आप कुछ पूछना भी चाह रही है रूड़ी जी से? हाँ राजीव प्रताप रूड़ी जी, मैं मतलब ममता बनर्जी हार भी जाएगी तो वो खुशी कहाँ से आप ला पाएंगे जो 200 पार वाली खुशी आपको चाहिए थी।
विपक्ष ये कह रहा है और बड़ा तंज मारता हुआ कह रहा है, मैं चाहती हूँ आप इसका जवाब दें, विपक्ष ये कह रहा है कि ये टीएमसी वन जीत गई है और टीएमसी टू जो है वो हार गई है, दोनों ने आपस में बंटवारा कर दिया है, बीजेपी लड़ी कहाँ, वो तो एक्स टीएमसी लड़ी है। चलिए जो भी आप कहना चाहें कॉम्बिनेशन में, और लोग राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव चाहते भी हैं और व्यक्ति भी बदलते हैं, और वो कहीं आप देखेंगी, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, हम लंबे दौर की राजनीति में हैं, देश हमारा है, पश्चिम बंगाल भी हमारा एक अभिन्न अंग है, और अगर भाजपा के पृष्ठभूमि को अगर आप देखना चाहेंगी तो मैंने फिर दोहराना चाहूंगा कि 84 में 2, 89 में 85, 91 में 120, 96 में 161 सरकार, 99 में 183, 2004 में 188 और फिर आज 303। मेरा सवाल एकदम कहीं कोई निराश को की नहीं, बीजेपी नहीं, वहां तो टीएमसी लड़ी, वहां तो एक्स टीएमसी लड़ी ना, आपके अपने लोग कहां थे, आपने वो तैयारी की नहीं। देखिए इस देश के पता नहीं कैसे लगता है तैयारी ना हो तो, लेकिन आज जितने लोग वहां लड़े हैं सिद्धांतिक रूप से वो भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों पर लड़े हैं, और लोगों ने जो उनको स्वीकारा है कि चाहे वो परिवर्तित माहौल में आप कहें या मूल जो राजनीतिक में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, संघ के साथ थे या ऐसे विचारधारा से थे, वहां तो सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस और लेफ्ट का हुआ है, वामपंथी भी विकल्प ढूंढा है, उन मतदाताओं को सोचिए जो कल तक वामपंथी थे, जो टीएमसी थे, जो कांग्रेस से, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार किया है, तो मतदाताओं के भी सोच में भी तो बड़ा परिवर्तन है कि आज भारतीय जनता पार्टी ही वहां सबसे स्वीकार्य पार्टी है, हमें इस नजरिया से भी देखने का प्रयास करना चाहिए। पर राजीव जी, आप जिस कांग्रेस की बात कर रहे हैं वो लोगों के जहन में अभी कहां है, आप लोगों के जहन में अभी भी कांग्रेस बसी हुई है, यहां तो आपका मुकाबला टीएमसी से था, लेकिन आज भी अगर आप कांग्रेस ही को अपना प्रतिद्वंदी मानकर चलेंगे तो ये तो आपकी भी भूल होगी ना, मुझे लगता है मामला तो कांग्रेस से बहुत आगे बढ़ गया है। मैंने आपको सिद्धांत आप मेरे उत्तर को अच्छी तरह से समझ गई और फिर आप वापस अपने प्रश्न पर चले गए। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि वहां परिवर्तन सिर्फ टीएमसी के सोच में, उनके समर्थकों में है और अगर हमारे साथ है, मैं उन मतदाताओं के बारे में भी बात कर रहा हूं जो कल तक लेफ्ट के समर्थक थे, कांग्रेस के समर्थक थे और उसमें कुछ टीएमसी के समर्थक थे। ठीक है, उन्होंने आप ये कह रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए था, इतना बड़े तौर पर परिवर्तन नहीं चाहिए था, दीदी से नाराजगी थी लेकिन वो नाराजगी नफरत में तब्दील नहीं हुई। तो इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप, नंदीग्राम से ममता बनर्जी पीछे चल रही है, छठे दौर की काउंटिंग हो चुकी है, छठे दौर की काउंटिंग के बाद फासला ममता बनर्जी का शुभेंदु अधिकारी से बढ़ता हुआ, मतलब ममता बनर्जी और ज्यादा वोटों से पिछड़ती हुई, इस वक्त 7,262 वोटों से शुभेंदु अधिकारी आगे, ममता बनर्जी पीछे, ये छठे राउंड के बाद का अपडेट मैं आपको बता रही हूं। नंदीग्राम का मामला फंसता हुआ लगातार नजर आ रहा है, टीएमसी भले ही 196 सीटें जीतती हुई नजर आ रही है, वो 2/3 मेजोरिटी की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है, बीजेपी 100 से नीचे 93 पर सिमटती हुई नजर आ रही है, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा दिलचस्पी अभी भी नंदीग्राम के संग्राम को लेकर, क्योंकि ममता बनर्जी ने जिस नंदीग्राम सीट पर आकर सीधे चुनौतीपूर्ण अंदाज में बीजेपी को घेरने की कोशिश की, उसी नंदीग्राम सीट पर इस वक्त ममता बनर्जी पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेफ्ट के नेता अतुल अंजान साहब भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल अंजान साहब, केरला के लिए बधाई, लेकिन बंगाल में तो बुरा हाल है सर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम शुरुआत उसी बात से की, लेकिन मेरा दर्शकों की तरफ से आपसे एक निवेदन है जी। तब से आप ये दिखा रही पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है, आसाम में क्या हो रहा है, पौडुचेरी में क्या हो रहा है, लेकिन केरल का जिक्र आप नहीं कर पा रहे हैं। मैं जानता हूँ मजबूरियां होती, कुछ चीजें हलक के नीचे नहीं होती, अभी भी जब आप बोल रहे हैं तो लगातार केरल के आंकड़े भी चल रहे हैं सर, और केरल के तो हमने खास तौर से ग्राफिक्स बनवाए, आपने देखे अभी ऊपर दिखा, आप नहीं हाउस बोट बनी है सर, नहीं आप ऊपर का जो हेडलाइंस दिखा रही हो, ऊपर का जो हेडलाइंस देखिए, आप अपने को देखिए, मुझे मत दिखाइए, ऊपर वाली पट्टी सिर्फ पश्चिम बंगाल की है, नहीं ऊपर वाली पट्टी पुडुचेरी की भी है, पुडुचेरी की भी है और आसाम की भी है। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है कि आसाम से बड़ा स्टेट केरल, आसाम से बड़ा केरल स्टेट है।
साइड में नहीं चल रहे, ऊपर की बात में करो, ऊपर वाली लाइन में कह रहा हूँ। मेरा काम एक दर्शक के तौर पर आपको कुछ बताना भी है, अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं उस बात को कह रहा हूँ। खुशी की बात यह नहीं है कि केरल जीत रहे हैं, केरल में दोबारा आ रहे हैं, लेकिन एक बात सही है कि पश्चिम बंगाल में हमारी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, क्या बहुत दयनीय है, लेकिन एक बात सच है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव ने कुछ बातें कही हैं। वो बातें ये कही हैं कि करीब 80 मीटिंगें हमारे देश के घर मंत्री ने कर डाली, प्रधानमंत्री ने 30-35 मीटिंग कर डाली, पूरा का पूरा केंद्रीय मंत्रिमंडल था वहाँ पर। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार 15,000 बाहर के आरएसएस बीजेपी के कार्यकर्ता वहाँ थे, वहाँ पर करीब करीब 800 एमएलए और एमपी वहाँ पर थे, लगभग 100 मिनिस्टर केंद्र के और दूसरे राज्यों के वहाँ लगे थे, 75 आदमियों के ऊपर 4 एमएलए और 1 एमपी वहाँ पर बनाए हुए थे जो पन्ना प्रमुख थे। इन सब के बाद भी जिसमें सैकड़ों करोड़ रुपया बर्बाद हो गया, इसके बाद भी मुझे बड़ी अफसोस इस बात की है, जब देश कराह रहा था, जब देश चीत्कार कर रहा था, जब कोरोना से लोग मर रहे थे, लाशों के ऊपर ये 5 राज्यों के अंदर चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव कराए, इसका मुझे बहुत दुख है। बड़ी मुझे बहुत है कि चुनाव के परिणाम में हम केरल जीत रहे हैं, लेकिन हमें इस बात का दुख है कितनी जाने गंवा कर लोग ऑक्सीजन के लिए सभी राज्यों में हुए और आप सब लोगों ने चुनाव के लिए 1,00,000 रुपए देते रहे मुझे, इसलिए हम लोग हिस्सा लिया। नहीं, हमने केरल याद है वो जन सैलाबों के शेयर कर रहे थे तब लेफ्ट के समर्थन में उतरी तब ये सेकंड, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, वो सेकंड लहर नहीं थी तब बहुत खामोश लहर थी, और हम पहले लेफ्ट थे जिसने कह दिया कि हम कोई रैली नहीं करेंगे, उसके बाद कांग्रेस ने कहा, उसके बाद सबसे आखिर में 7वें राउंड में प्रधानमंत्री ने कहा। सच को सच रहने दीजिए, सच को झुठलाने से कोई फायदा नहीं है। और मैं एक बात को कहना चाहूँ, 200 के पार अभी हमारे दोस्त राजीव जी कह रहे थे, राजीव रूडी जी, कि जो चुनाव जीतने जा लड़ने जाता वो कहता है, लेकिन इतनी गंदी बात और इतने दंभ के साथ देश का प्रधानमंत्री को नहीं बोलना चाहिए, और जिस तरह का कैरिकेचर वो करे थे, ओ दीदी ये कुछ नहीं। मैं आपको एक बात बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर की बात बहुत की जा रही थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था 1918-19-20 के उस महामारी के बाद, कि एखाने मानवता क्रुद्ध हुए चित्कार कोच्चे, एखाने कोथाय जाबे लोकेरा, कि करबे ए समय বিলাপের সময়, সেই জন্য বলে নেথায় দাঁড়ায় দুবাহু বাড়ায় নমিনর দেবতারে, ইয়ে রবীন্দ্রনাথ ট্যাগোর নে লিখা থা। अगर टैगोर को पढ़ रहे हो और टैगोर बनने की कोशिश कर रहे हो तो टैगोर ने क्या लिखा है ये भी तो जानने की जरूरत है। ठीक है, तो सिर्फ इतना कहना है। ठीक है सर, आपसे ये बातचीत लगातार जारी रहेगी। मुझे एक और बात मैं अपडेट दे दूं, एक आंकड़ा बदला है, टीएमसी 200 के पार 206, इस वक्त टीएमसी का आंकड़ा 206 पर पहुंच गया है। पहली बार आज नतीजों वाले दिन अभी तक की गिनती में रुझानों में टीएमसी का आंकड़ा 200 के पार। याद है ना आपको 2016 का नतीजा टीएमसी 211, ये था टीएमसी का नतीजा 2016 का, और अब 2021 में टीएमसी का आंकड़ा इस वक्त 206 पर, ये रुझान है, अभी नतीजे नहीं है, लेकिन क्या ये इसी दिशा में कंसोलिडेट होंगे तो कहां जाकर रुकेंगे, ये वो तमाम सवाल जिसके जवाब आने में अभी इंतजार होगा। नुपुर हमारे साथ जुड़ गई हैं बीजेपी की तरफ से। नुपुर, 200 पार आपका नारा था, टीएमसी 200 पार हो गई है रुझानों में ही सही? नमस्कार रोमाना, देखिए आप अच्छी तरह जानती हैं कि पैंडेमिक के चलते, महामारी के चलते इलेक्शन कमीशन की काउंटिंग का सिस्टम भी बिलेटेड होता है, डिलेड होता है। मुझे भली भांति याद है कि बिहार के चुनाव के नतीजे, आपको भी याद होगा, रात तक नहीं पता चल रहा था कि किसने वो मैजिक नंबर पार किया है, और जो भी सेलिब्रेशन हमने करी थी, जो विक्ट्री कॉल थी फाइनली, वो अगले दिन जाके हुई थी, ये सबको अच्छी तरीके से याद है। जिस दिन काउंटिंग हुई थी उसके अगले दिन नतीजे क्लियर हुए थे। अभी कई सीटों पे तीसरा या चौथा राउंड है, कुछ सीटों पे छठा या सातवां राउंड है, और अगर मैं जानती हूँ तो छठा या सातवां राउंड नंदीग्राम में चल रहा है। मेरे हिसाब से 20 और राउंड है अभी काउंटिंग के, तो अभी चुनाव को कॉल करना बहुत जल्दबाजी होगी। और मैं तो कहूंगी कि जो महामारी से पहले जो गिनती होती थी और सुबह जो 9, 9:30, 10 बजे रुझान आते थे, वो लगभग 1-2 बजे तक आज की तारीख में आएंगे।
तो अभी कैलाश विजयवर्गीय जी का भी सुन के आई हूँ, काफी ऐसी सीटें हैं जिनमें जैसे जैसे पेटी खुलेगी, जिन जिन क्षेत्र में जहां पे हमारा ज्यादा प्रभाव रहा है वो वाली पेटियां खुलेंगी, आप देखेंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अपनी सरकार भी बनाएगी। अभी के हिसाब से क्या असेसमेंट है आप लोगों का? अभी के हिसाब से क्या असेसमेंट है? इट्स टू अर्ली,